जनजाति क्रांतिकारी शहीद वीर बिरजू नायक की जीवनी, कर्मभूमि सिंधी घाटी चिंदी घाटी क्षेत्र राजपूत जिला बड़वानी, जन्मभूमि वर्तमान का ग्राम सावरदा मटली, समाधि स्थल ग्राम उपला, कर्मघर बांडी हवेली, शहादत दिवस 2 मई, योगदान 1857 की क्रांति के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के अंबापानी विद्रोह, सेंधवा विद्रोह जैसे कई विद्रोह में अहम योगदान। कौन है बिरजू नायक? सन 1857 की क्रांति के दौर के वीर क्रांतिकारी, एक महान योद्धा, सतपुड़ा के सुदूर पहाड़ियों में रहने वाले निमाड़ के आदिवासी वीर योद्धा रहे बिरजू नायक, जिनकी कहानी से बहुत ही कम लोग वाकिफ है। अंग्रेज शासन काल में कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, उसमें से कई वीर ऐसे भी हैं जिनका जिक्र इतिहास में एक लाइन से ज़्यादा नहीं किया गया। ऐसे ही आदिवासी वीर योद्धा रहे बिरजू नायक, जिनका शहीद दिवस 2 मई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की राजपूत तहसील के नगर पलसूर के निकट ग्राम मटली एवं सावरदा के बीच स्थित एक पहाड़ी पर स्थित क्षेत्र की प्रसिद्ध बांडी हवेली, जो कि वीर बिरजू नायक का कर्मघर है, जो आज भी मौजूद है। हालांकि वह अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानीय सगाजनों समाजजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बिरजू नायक इसी बांडी हवेली में रहकर साथियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी योजनाएं बनाकर उन्हें अंजाम देते थे। वही पलसुत के नज़दीक ग्राम उपला में इनका समाधि स्थल है, जहां वर्तमान में भी क्षेत्र के सगाजन समाजजन पहुंचकर वीर योद्धा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। वही समस्त मूल निवासी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 2 मई को वीर बिरजू नायक का शहीद दिवस भी मनाया जाता है। हमारे पूर्वजों एवं वरिष्ठ महानुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीर बिरजू नायक हमेशा गरीब व किसानों के हित के लिए लड़ते थे। वीर योद्धा भीमा नायक, खाजा नायक और टंट्या मामा भील के साथ कई विद्रोह में सहभागिता की। वे अक्सर अंग्रेजों को लूटकर सामग्री गरीबों में बांट दिया करते थे। उन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाई लड़कर उन्हें धूल चटा दी। कहा जाता है कि जब भी गांव में अंग्रेज आते थे, अंग्रेजों को गांव से मारकर भगाने पर मजबूर कर देते थे। उल्लेखित है कि स्वतंत्रता सेनानी टंट्या टोपे के पश्चिम निमाड़ में आगमन पर राजपूत क्षेत्र के गुप्त रास्ते से नर्मदा नदी पार करवा कर मंजिल तक पहुंचाने में भीमा नायक, ख्वाजा नायक एवं बिरजू नायक तथा साथियों का अहम योगदान था। इस योगदान के बदले उन्हें वीर की उपाधि दी गई है, जिससे पता चलता है कि सिंधी घाटी क्षेत्र के वीर के नाम से चर्चित थे। आज भी उनके नाम के आगे लोग वीर लिखना नहीं बोलते। निवाली से सिंधी घाटी राजपुर तक उनका गढ़ रहा है। ग्राम मटली में स्थित झरने कुंड पर नहाने जाया करते थे। उन्हें धोखे के तहत रणनीति बनाकर मारने के लिए अंग्रेजों ने करीबी साथी का सहारा लिया, क्योंकि बिरजू नायक को मारना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास करे, परंतु वे असफल रहे, क्योंकि वे युद्ध कला में निपुण थे। बिरजू नायक प्रतिदिन की तरह एक बार झरने कुंड पर नहाने पहुंचे थे, तभी अंग्रेजों द्वारा भेजे गए किसी परिचित ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि सर धड़ से अलग होने के बावजूद वे उपला स्थित समाधि स्थल तक दौड़ते हुए आ गए थे व उक्त स्थल पर प्राण त्यागे थे। आदिवासी समाज एवं विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता वर्तमान में उनकी गाथा का गायन करते हैं। कहा जाता है कि वीर बिरजू नायक अपने साथियों को सूचना देने हेतु वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे। जिस स्थान से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, उस स्थान को अब डोलाबेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्राम मटले में स्थित सुदूर पहाड़ियों एवं सिंधी घाटी क्षेत्र में अंग्रेज शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ हक अधिकार शोषण पीड़ित दबे कुचले लोगों के लिए बुलंद आवाज करने वाले निमाड़ के शेर जनजाति क्रांतिकारी शहीद वीर बिरजू नायक
के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ।